चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जनपद की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लगाया जा रहा एटीएम पर जनपद सीईओ ने की कार्रवाई, तहसीलदार को लिखा पत्र। खैलानी जनपद पंचायत की शासकीय भूमि पर अनिल उके बालाघाट निवासी के द्वारा अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कार्य कर हिताची बैंक का एटीएम लगाया जा रहा था। अतिक्रमण कर पक्का निर्माणाधीन कमरे में एटीएम लगाने की जानकारी जैसे ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरी शंकर डहरिया को लगी तो वह तत्काल ही उनके द्वारा तहसीलदार को पत्र लिखकर अतिक्रमण की जानकारी या एटीएम लगाने को लेकर तत्काल रोक लगाने कहा गया। पत्र प्राप्त होते ही तहसीलदार द्वारा मौका स्थल पर तहसीलदार पटवारी और राजस्व निरीक्षण द्वारा मौके का निरीक्षण कर जांच पंचनामा बनाया गया या एटीएम लगाने से रोक लगा दी गई है। मुझे जैसे इसके बारे में निर्माण हो रहा है तो मैंने माननीय सीओ साहब को इसके बारे में फोन पर चर्चा की थी। सीओ साहब को बोला गया कि जनपद पंचायत की जो भूमि है इस पर एटीएम लगाना गैर कानूनी है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एटीएम हो, बैंक हो या फिर कोई सरकारी संस्था हो, इस प्रकार की कब्जा की हुई जमीन पर आपने बीपीओ साहब को बोल के तत्काल आदेश जारी करके तहसीलदार साहब को बताया, तहसीलदार साहब द्वारा भी तत्काल कार्रवाई की गई। ये गलत है, अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से जबरन ये लोग कर रहे हैं वो ज़्यादातर अनुचित है। निकट भविष्य में हम लोग अपने जनपद की जमीन को अलग करके यहाँ भी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे, ये हमारी योजना है। सर, जो जनपद की जो भूमि है सर, उस पर जो अतिक्रमण कर जो एटीएम लगाया जा रहा है उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे सर? जनपद पंचायत खैलांजी के सीओ महोदय द्वारा हमको सूचना दी गई कि उनकी ज़मीन पर कोई एटीएम का लिए 6x15 वर्ग फीट में अतिक्रमण कर रहा है, तो हम लोगों ने इसका मौका जांच राजस्व संरक्षक महोदय की उपस्थिति में और अन्य लोगों के साथ में किया और इसमें अनिल उके नामक व्यक्ति द्वारा एटीएम बनाए जाने का स्वीकारा उसने। उससे संपर्क किए हम लोग मोबाइल पर, तो उन्होंने बोला कि मैं इसी को बना रहा हूँ, पर इस संबंध में किसी प्रकार की कोई उसने अनुमति नहीं लिया है, तो वर्तमान में इस काम को तुरंत बंद करवा दिया गया है। तो सर, आपके द्वारा काम बंद करवा दिया गया है? हाँ, बंद करवा दिया गया है और पंचनामा कर दिया गया है और इसमें आगे जो कार्रवाई होगी तहसीलदार महोदय करेंगे। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।